जनता ने आपका वरण कर ही लिया है, अब जरूरत है अपने कृतित्व को पैना करने की, अपने कृतित्व को अनुशासित करने की, अपने कृतित्व को नियम में बांधने की, अपने कृतित्व को के माध्यम से नियम को समझने की। क्योंकि ये सब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कृतित्व हमारे व्यक्तित्व को निखारेगा, और जब हमारा व्यक्तित्व निखरेगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और मध्य प्रदेश की विधानसभा जैसे गरिमावान जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के कृतित्व से सदन की भी महिमा पूरे देश में बढ़ेगी, यह भी निश्चित रूप से अपेक्षा आम लोगों को हम लोगों से रहती है। मुझे ध्यान है कि सामान्य तौर पर पहले विधानसभा में सदस्य प्रोत्साहित हों इसके लिए कुछ पुरस्कारों की परंपरा थी, बीच बीच में वो अपरिहार्य कारणों से ऊपर नीचे होती रही, लेकिन जब ये व्यवस्था मजबूत होती है तो सदस्य फिर हर नियम का पालन करना, हर नियम का उपयोग करना इसके लिए प्रवृत्त भी होते हैं और सक्रिय भी होते हैं। सामान्य तौर पर विधायक के रूप में हम सब लोगों के मन में एक कल्पना रहती है कि मुझे बोलना चाहिए, और बोलने में भी एक प्रचलन सा हो गया है कि बहुत अधिक चिल्ला के बोलो तो लोग अच्छा समझेंगे। मैं अपने अनुभव के साथ ये बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि सदन में बात रखते हुए व्यक्ति का जोश भी दिखे लेकिन जोश पूरी तरह होश के साथ नियंत्रित हो, व्यक्ति का बोलते समय गुस्सा भी दिखे लेकिन व्यक्ति को गुस्सा दिखते समय गुस्सा आना नहीं चाहिए। अगर गुस्सा आ गया तो आपका विषय ही पलट जाएगा, और इसलिए हम सबको आवश्यकता है कि एक तो विधानसभा में बोलने के लिए जितनी भी नियम प्रक्रियाएं बनी हैं, जितने प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, मैं समझता हूँ बहुत कम सदस्य होते हैं जो सारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। अगर वो नियम का और प्लेटफॉर्म का उपयोग करें तो ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर कई बार हम अपने एक प्रश्न पर ही अड़ जाते हैं और बिना नियम के बोलने की अनुमति चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस समय दिक्कत होती ही है, और इसलिए प्रशिक्षण का हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत महत्व है। आज का और कल का ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, यह निश्चित रूप से हमको विधानसभा की नियमावली, विधानसभा की परंपराएं, विधानसभा की प्रचलित व्यवस्थाएं उनके नज़दीक ले जाने का प्रयत्न करेगा, और इसको आपको पूरे कार्यकाल में काफ़ी निश्चित रूप से लाभ होगा ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे भी अगर आप व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो शासकीय व्यवस्था में सबसे छोटा कर्मचारी है चपरासी, और सबसे बड़ा कर्मचारी है आईएएस अफसर। लेकिन आप सब अनुभव करेंगे कि अच्छा चपरासी वही सिद्ध होता है जो अपने काम की ट्रेनिंग किए हुए हो। हम कई बार अनुभव करते हैं कि व्यक्ति प्यून है लेकिन अगर ट्रेंड नहीं है तो वो ठीक से आपको पानी भी नहीं परोस सकता, और सबसे बड़ा कर्मचारी आईएएस अफसर है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि वो सब विधाओं का ज्ञाता है, कभी भी किसी विभाग को दे दो जल्दी समझ जाएगा, ऐसी मान्यता लोकतंत्र में बनी हुई है। लेकिन वो आईएएस अफसर आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके नौकरी में आता है,
फिर भी उसको साल दो साल में रिफ्रेशमेंट कोर्स करने के लिए जाना ही पड़ता है। अगर वो बार बार ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाए तो ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। लेकिन शारीरिक जीवन एक ऐसा अछूता क्षेत्र है कि आप जिस दल से आ रहे हैं वो दल अगर इस मामले में चिंता कर रहा है तो अलग बात है। बाकी पार्षद बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पार्षद बनने के लिए कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है, विधायक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। जनता के बीच में खड़े हुए, जनता ने उनको चुना तो आप उन आ गए। लेकिन दायित्व का निर्वहन करने के लिए, और अगर हम उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विधायकों को आप देखेंगे जो सभी नियमों का पालन करते हुए विधानसभा की गरिमा का भी ध्यान रखते हैं और अपने दायित्व की भी पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लिए भी अच्छा परिणाम देने का काम करते हैं। मैं इस मौके पर, इस अवसर पर सभी सदस्यों को यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में एक तो हमारी उपस्थिति ठीक होनी चाहिए, और उपस्थिति यहाँ भी जरूरी है और उपस्थिति सदन में भी जरूरी है। मुझे ध्यान है मैं जब पहली बार विधायक बन के आया था तो मेरे यहाँ के एक बड़े नेता हमारे शीतला साई जी हुआ करते थे, बहुत अच्छे वकील थे, बहुत अच्छे विधानसभा और संसदीय ज्ञाता के रूप में उनकी ख्याति थी मध्य प्रदेश में। तो मैं उनको पूछने गया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं फुर्सत में रहूँगा तो तुम्हें समय दूंगा और तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है तो दो तीन घंटे का समय लेके आना। ऐसे मतलब कोई मेरे पास लकीर खींची हुई नहीं रखी कि मैं तुमको उठा के पकड़ा दूँ। तो फिर मैं समय लेकर गया तो उन्होंने मुझे एक बहुत छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा कि सदन में 10:30 बजे पहुंचो और जब सदन पूरा हो तभी आप उठ के आओ। अगर पूरे टाइम एक सत्र में आप बैठोगे, कोई बोलने की कोशिश मत करो, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसा जवाब दे रहा है, अगर ध्यान पूर्वक एक सत्र सदन को पूरा अटेंड कर लोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी विधानसभा में कैसे क्या करना है और कैसे अपने को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाए। दूसरा उन्होंने कहा सार्वजनिक हित के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करना जरूरी है। सामान्य तौर पर घटना का विधानसभा में उल्लेख हो यह जरूरी है, लेकिन जो समस्याएं गहराई से विद्यमान हैं और ये जरूरी नहीं है कि वो आपके प्रयत्न से निराकृत होंगी भी, लेकिन उस समस्या के प्रति आपका ध्यान है, आप उतना गहराई से सोचते हैं, आप जमीन के निकट पहुंचते हैं, ये बात जब लोगों के ध्यान में आएगी तो विधायक के रूप में आपके व्यक्तित्व को निखारने में ये मददगार होगी। ऐसे उन्होंने कई विषय मुझे बताए। दो चीजें उन्होंने मुझे टास्क के रूप में दी। उन्होंने कहा नरेंद्र सिंह जी हमारी राजनीतिक ताकत कमजोर थी इसलिए ग्वालियर में हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, यह ग्वालियर में बननी चाहिए थी। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक ताकत कमजोर थी, ग्वालियर का संगीत घराना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। शास्त्रीय संगीत जब दुनिया में कोई सीखता है तो मोहम्मद गोश के मकबरे पे आकर तानसेन को प्रणाम करके
अपने जीवन का आरंभ करता है। पूरी दुनिया के संगीतकों के लिए तीर्थ है, लेकिन मध्य प्रदेश में संगीत विश्वविद्यालय बना, लेकिन ग्वालियर घराना विश्वविख्यात होने के बाद भी हम राजनीतिक रूप से कमजोर थे, इसलिए संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में नहीं खोला, वो खैरागढ़ चला गया। तो उन्होंने कहा इन दोनों काम के लिए प्रयास करना ये ग्वालियर का हक है। और मुझे ध्यान है मैंने बहुत नियम प्रक्रिया के तहत अपने प्रतिपक्षी कार्यकाल में इन कामों को विभिन्न नियमों के तहत अव्यवहारिक हो गया है, इसलिए MLA रेस्ट हाउस भी अनुपयोगी जैसा हो गया है। इसलिए विधायकों के लिए निवास का नया प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की सरकार अगर ले लेगी तो आने वाले कल में विधायकों को रहने की, निवास करने की, अपना काम काज करने की बहुत सुविधा मिल जाएगी। यही दो निवेदन के साथ मैं पुनः लोकसभा अध्यक्ष का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद।